वॉशिंगटन डीसी का दृश्य आता है और ही पर हम एक गाड़ी को चलता हुआ देखते हैं। इस गाड़ी को सैडी नाम की लड़की चला रही है। तभी डॉक्टर क्लोडिया एड्स का कॉल आता है और क्लोडिया बताती है कि एक लड़की की मौत हो गई है। जैसे ही सैडी को उसका नाम पता लगता है वो निराश हो जाती है। वो उस लड़की को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती थी, फिर भी उसकी मौत से इसे अफसोस हो रहा है। सबका मानना था कि सैडी की जिंदगी और उस लड़की की जिंदगी में बहुत सारी समानताएं थी। इन दोनों की उम्र सेम थी और ये दोनों एक ही काम करते थे, यहाँ तक कि इनका घर भी एक जैसा दिखता था, इसीलिए सैडी अब उदास है। तब क्लोडिया उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। तभी हमारे सामने बाजार का दृश्य आता है और यहाँ पर हम कोल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पौधे बेच रहा है। लेकिन कोल थोड़ा सा उदास भी है, हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वो उसी के बारे में सोच रहा है। तभी यहाँ पर हम इडना नाम के एक औरत को देखते हैं। वो जैसे ही देखती है कि कोल थोड़ा निराश है तब वो उससे बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हें कोई नई लड़की मिल जाएगी, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, अपने आप को संभालो। तब इडना कोल को कहती है कि मैं यहाँ से थोड़ी दूर जा रही हूँ, तब तक तुम क्या मेरी दुकान को देखोगे? और कोल कहता है कि हाँ। तभी हम सैडी को देखते हैं जो आती है इडना की दुकान पे और उसके प्लांट्स को देखने लगती है। उसे एक प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। तब उसे गाइड करने के लिए कोल आता है और पूछता है कि आप घर पे कितनी देर रहती हैं? तो सैडी कहती है कि बहुत कम, कभी कभी मैं महीनों भी बाहर रहती हूँ। तब कोल कहता है कि ये पौधा तब आपके लिए नहीं है, अगर इसे रोज पानी नहीं दिया गया तो बहुत ही जल्द ये पौधा मर सकता है। लेकिन सैडी कहती है कि मुझे यही पौधा चाहिए। तब कोल मना करता है और कहता है कि मैं आपको ये पौधा नहीं खरीदने दूंगा। इसी वक्त यहाँ पे एडना आ जाती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पौधे को कितना पानी दिया जाएगा, वो इस पौधे को बेच देती है सैडी को। तब सैडी पौधे को लेकर के निकल जाती है और इडना समझाने लगती है कोल को। कोल कहता है कि तुम्हें वो पौधा नहीं बेचना चाहिए था, वो उस पौधे को मार देगी। तब इडना कहती है कि अभी भी तुम्हें पौधे की पड़ी है, तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की थी, उसे पटाने के बजाय तुम उससे झगड़ा कर रहे थे, अभी भी देरी नहीं हुई है, उसके पीछे जाओ और उसे डेट के लिए पूछो। तब कोल को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो भागता हुआ जाता है सैडी के पास और उससे पूछता है कि क्या हम कॉफी पर जा सकते हैं। तब सैडी इस बात को सुनने के बाद आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गए, अभी अभी हमारा झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद कोई किसी को कॉफी के लिए नहीं पूछता, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पे नहीं जाऊंगी। तब इस बात को सुनने के बाद कोल निराश हो जाता है, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी सैडी उसे वापस बुलाती है और कहती है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, हम कॉफी तो पी ही सकते हैं। तब कोल आकर के उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर ये लोग कॉफी लेते हैं और पूरे शहर में घूमने लगते हैं। एक के बाद एक ये लोग बहुत सारे जगहों पे जाते हैं। तब सैडी बताती है कि वो एक आर्ट क्यूरेटर है, इसीलिए उसे पूरी दुनिया घूमना पड़ता है, हर जगह के आर्ट्स को जाकर के वो देखती है। तब वो कोल से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर कोल बताता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ कि पौधों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तब ये दोनों बात करने लगते हैं हॉरर मूवीज के बारे में और सैडी बताती है कि उसे डर नहीं लगता। उसे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने इस चीज को खुद चुना है कि वो जिंदगी में किसी भी चीज से नहीं डरेगी। तब ये बात बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है कोल को और सैडी अपनी जिंदगी के बारे में और बातें बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो लोग दूसरे देश में रहा करते थे, लेकिन जब दिक्कतें बढ़ने लगी तब उसकी माँ वहाँ से भाग गई से लेकर के। उस वक्त ये लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन सैडी की माँ कभी भी कमजोर नहीं पड़ी, उसने हमेशा ही बहादुरी दिखाई और सैडी भी वैसा ही बनना चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर समय स्ट्रांग रहे। और जब से उसने इस डिसीजन को लिया है तब से कोई भी चीज उसे नहीं डरा पाती। और इसी तरीके से अब ये दोनों पूरा दिन एक साथ समय बिताते हैं और रात में जाते हैं एक बार में। तब सैडी खड़ी होकर के गाना गाने लगती है, वो बार बार कोल को बुलाती है कि वो भी गाए, लेकिन कोल नहीं जाता। कोल बहुत ही शर्माता है, लेकिन पूरे रात ये दोनों एक साथ रहते हैं। तब कोल उससे पूछता है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर को लेकर के। तब सैडी बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर कैक्टस की तरह हो, जिसे बहुत लंबे समय तक पानी ना देना पड़े, फिर भी वो वहीं पर रहे। मैं बहुत ही ज्यादा ट्रेवल करती हूँ और मैं अपने पार्टनर से हमेशा मिल नहीं सकती, हमारे बीच बहुत दिनों तक दूरियां रहेंगी, लेकिन कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कोई आए और वो ऐसा हो जो मुझे समझे, अगर हम दूर भी रहें तब भी उसे कोई परेशानी ना हो। फिर धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं और इन दोनों को हम किस करते हुए भी देखते हैं। तब कोल सैडी को घर छोड़ने जाता है, इसी वक्त वो उसे अंदर बुलाती है और अंदर जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कोल अपने घर वापस आ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए वो सारी बातें बताता है अपने माता पिता को और ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कोल की बहन को जिसका नाम है मैटी। मैटी कहती है कि ये लड़की भी तुम्हें नहीं मिलेगी, एक वक्त के बाद ये भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खराब करने की। तब इस बात को सुनने के बाद कोल का माता पिता डांटते हैं मैटी को और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। कोल रोज मैसेज करता है सैडी को लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तब धीरे धीरे उसकी परेशानियां बढ़ने लगती है और जब उसके पिता इस चीज को देखते हैं तो वो अलग अलग थ्योरीज बताते हैं कि आखिर लड़कियां रिप्लाई क्यों नहीं करती हैं। तब मैट चिल्ला करके कहती है कि तुम लोगों को थ्योरीज नहीं लगानी चाहिए, क्या तुम लोगों
को साफ साफ नहीं दिख रहा कि उस लड़की ने इसे घोष्ट कर दिया है। तभी कुछ दिनों के बाद कोल को याद आता है कि उसका इनहेलर गायब है और उसने अपने इनहेलर को रखा था उसके पर्स में। कोल ने बहुत पहले ट्रैकर लगाया था अपने इनहेलर में, इसीलिए अब अपने इनहेलर को ट्रैक करने लगता है। तब उसे पता लगता है कि सैडी अभी लंदन में है और इस चीज को देखने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि शायद अब वो उससे कभी भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन तुरंत ही निश्चय करता है कि वो लंदन जाएगा उसे सरप्राइज देने के लिए। तब उसके माता पिता भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मैडी दोबारा कहती है कि ये बहुत ही गलत आइडिया है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर कोल अब नहीं सुनता अपनी बहन और अगले दिन पहुंच जाता है लंदन और ट्रैक करने लगता है सैडी को। इसी बीच जब वो एक अंधेरी जगह से गुजरता है तब कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। तब बहुत समय के बाद कोल की आँख खुलती है और वो देखता है कि उसे एक लैब में बंद करके रखा गया है जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं और इन कीड़ों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं लोगों को टॉर्चर करने के लिए। तब कोल अपने सामने एक आदमी को देखता है जो उसे टैक्समैन कहकर बुलाता है। तब कोल समझाने लगता है कि तुम लोगों को शायद गलत फहमी हुई है, मैं बस एक किसान हूँ, तुम लोगों को मुझे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आदमी कोल की बात नहीं मानता और एक कीड़े को लेकर के आ जाता है टॉर्चर करने के लिए। तभी यहाँ की दीवार टूट जाती है और सैडी अंदर आती है बंदूक लेकर के और एक एक करके सबको मारने लगती है। तब इस चीज को देखने के बाद कोल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन सैडी ऐसे ही लोगों को मारती रहती है। फिर सबको मारने के बाद वो आजाद करवाती है कोल को और उसे भी एक बंदूक दे देती है। तब कोल कहता है कि मैं इस बंदूक का क्या करूं। तब सैडी समझाती है कि तुम्हें मुझे कवर देना है। तब ये दोनों आने लगते हैं बाहर और भागते भागते बाहर आने के बाद इन्हें पता लगता है कि ये लोग एक गुफा में थे और ये जगह पाकिस्तान है। तभी यहाँ पर सेना वाले आ जाते हैं और इन पे अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं। इन्हें पता है कि अगर सेना वालों ने इन्हें पकड़ लिया तब वो इनकी हालत खराब कर देंगे। इसी बीच सैडी बता देती है कोल को कि वो कोई भी आर्ट क्यूरेटर नहीं है, वो एक CIA की एजेंट है, उसने झूठ बोला था कोल को। तब कोल को बहुत गुस्सा आता है। फिर ये लोग अपने सामने आते हुए एक बस को देखते हैं। सैडी बस को रोकती है और ये दोनों जाकर के बस में बैठ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सेना वाले अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। तभी एक सिपाही कूद करके चढ़ जाता है इनके बस के अंदर। तब कोल उस सिपाही को नीचे फेंकता है। कोल जब स्कूल में था तब वहाँ पर उसने रेसलिंग सीखी थी। तभी सैडी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार सुई और उसके बाद से तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। तब कोल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया था, मुझे लगा कि ये एक रोमांटिक जेस्चर होगा, लेकिन तुम मुझे स्टॉकर बुला रही हो। तब सैडी फिर से लोगों को मारने में लग जाती है और एक वक्त के बाद वो सारे के सारे गाड़ियों को तबाह कर देती है और बाइकर्स को भी। तभी उसे एहसास होता है कि अब ये बस खराब हो चुकी है, यहाँ से आगे बस नहीं जा पाएगी। तभी दोनों पैदल जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लेविक नाम के एक माफिया को देखते हैं। जितने भी लोग सैडी और कोल के पीछे लगे हैं वो सारे के सारे लेविक के लोग हैं। लेविक अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो पूरी की पूरी प्रोफाइल देखता है कोल की और उसे लगता है कि यही टैक्समैन है। तब वो अपने आदमियों को कहता है कि जो भी टैक्समैन को पकड़ेगा मैं उसे $1,000,000 दूंगा। तब सारे लोग पीछे लग जाते हैं कोल के। तभी हम देखते हैं कोल और सैडी को जो मार्को नाम के एक आदमी से जाकर के मिलते हैं। तब मार्को भी सैडी को किस करता है। तब ये बात कोल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तब मार्को और सैडी बात करना शुरू करते हैं और हमें पता लगता है कि सैडी यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर एक बायो वेपन है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर वो आतंकवादियों के हाथ लग गया तो वो बहुत सारे देश को तबाह कर सकते हैं। सैडी की पहली प्रायोरिटी बायो वेपन ही थी, वो कोल को बचाने यहाँ पर नहीं आई थी। तब फिर से ये बात कोल को बुरी लगती है, लेकिन सैडी मार्को को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कोल को अमेरिका कैसे भी ट्रांसपोर्ट कर दो। तब मार्को ये काम करने के लिए मान जाता है और सैडी यहाँ से चली जाती है। तब मार्को बताता है कोल को कि हम दोनों कभी डेट किया करते थे, हम एक ही प्रोफेशन में हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन जब मार्को लेकर के जा रहा होता है कोल को तभी एक आदमी गोली मार देता है मार्को और उसने बंदूक तान करके रखा है सैडी पे। फिर वो कोल को भी अपने पास आने के लिए कहता है और दोनों को कहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। तभी आदमी बताता है कि ये सैम का पोता है, लेकिन ये इन्हें कुछ करता उससे पहले लिपर्ड नाम का आदमी उसे मार देता है। फिर इन दोनों को लेकर के जाता है वो एक कार में और बताता है कि मैं लेविक के लिए काम करता हूँ। तभी एक तीसरा आदमी मार देता है लिपर्ड को और बताता है कि मेरा नाम गॉड है, अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर ये दोनों जाने लगते हैं गॉड के साथ। तभी ये गाड़ी आकर के गॉड को उड़ा देती है और ये दोनों आजाद हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने रास्ते पर। तब रास्ते में कोल बताता है कि जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा था तब वो बार बार मुझसे पासकोड पूछ रहे थे, आखिर इसका मतलब क्या है। तब सैडी को एहसास होता है कि उस बायो वेपन में पासकोड लगा है जो इसे भी पता नहीं, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है और कोल के सर पे वार करती है जिससे कोल बेहोश हो जाता है। लेकिन अगली बार जैसे ही कोल की आंख खुलती है वो देखती है कि सैडी उसका सौदा कर रही है। वो कोल को लेकर के आई है लेविक के लोगों के पास और उन्हें बताती है कि यही टैक्समैन है, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए क्योंकि इस पे $1,000,000 का इनाम है। तब ये लोग बैठाते हैं इन दोनों को प्लेन में। यहाँ पर लेविक नहीं आता है, वो इस काम की जिम्मेदारी देता है अपने राइट हैंड को जिसका नाम है वेगनर। तब इनका प्लेन भी टेक ऑफ हो जाता है और सारे लोग तैयारी करने लगते हैं कि वो टॉर्चर करेंगे कोल को ताकि वो कोड बता दे। लेकिन इसी बीच वेगनर जैसे ही फोन चेक करता है कोल का, उसे इन दोनों की तस्वीर मिलती है
जिसमें ये लोग बिस्तर पर सो रहे हैं। तब वैगनर को शक होने लगता है और समझ जाता है कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ घपला करने वाले हैं। तब सैडी इन पे हमला करती है। वो पहले मारती है वैगनर को, उसके बाद बाकी लोगों पर टूट पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही विशाल आदमी है जो स्टैप कर देता है सैडी को, लेकिन वो उसे मारता है। उसे पहले कोल हमला कर देता है उस पे और अपने रेसलिंग स्किल का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इन्हें पता है कि ये प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। तब सैडी कोल को कहती है कि हमारे पास एक ही पैराशूट है, तुम उसे लो और नीचे कूद जाओ। तब कोल कहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। वो सैडी को उठाता है और ये दोनों एक ही पैराशूट की मदद से नीचे चले जाते हैं। तब 6 घंटे के बाद आंख खुलती है सैडी और वो अपने आप को एक आइलैंड पे पाती है कोल के साथ। कोल ने उसके जख्मों का भी उपचार किया है और ये चीज सैडी को बहुत अच्छी लगती है। ये पूरा समय एक साथ बिताते हैं और इसी बीच दोबारा करीब आ जाते हैं और इनके बीच दोबारा किस होता है। लेकिन लेविक ने अपने लोगों को यहाँ पर भेज दिया है। सैडी ने भी सीआईए को इन्फॉर्म कर दिया था। तब सीआईए के लोग भी यहाँ पर चले आते हैं और हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं और घमासान लड़ाई हो रही होती है। तभी हम देखते हैं लेविक के एक आदमी को जो उस बायो वेपन को लेकर के भाग जाता है जो अब तक सैडी के पास था। तब सीआईए वाले इन दोनों को लेकर के जाते हैं अपने हेडक्वार्टर वर्जीनिया में और मोंटे जैक्सन नाम का एक आदमी इनके सामने होता है जो इन दोनों से पूछताछ करने वाला है। लेकिन पूरे समय सैडी और कोल लड़ते रहते हैं। सैडी कोल को कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें हुई हैं। मैं अगर तुम्हें नहीं बचाती तो बायो वेपन अभी मेरे हाथ में होता। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया। तब ये बात कोल को बहुत बुरी लगती है और इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया जाता है। फिर सैडी जाकर के मिलती है अपने बॉस से यानी क्लोडिया से और क्लोडिया कहती है कि अगर तुम उस बायो वेपन को वापस नहीं लाई तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। और दूसरी तरफ जैक्सन समझा रहा होता है कोल को कि जितना हो सके वो सैडी से दूर रहे। सैडी को झूठ बोलने में महारत हासिल है और वो ये बात भी बताता है कि सैडी ने अब तक कितने सारे लोगों को मारा है। लेकिन जब सारे लोग इस केस के बारे में तफ्तीश कर रहे होते हैं तभी कोल की नजर पड़ती है एक प्लांट पे जो एडना के घर पे था। कोल एडना को जानता था लेकिन कोल को ये बात पता नहीं थी कि एडना भी एक एजेंट है जो धोखा दे रही थी इन्हें। तब कोल बताता है इस प्लांट के बारे में और ये भी कहता है कि वो पासकोड इसी प्लांट के भीतर है। अगर ये प्लांट मुझे मिल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि आखिर पासकोड है क्या। हमें बस एडना के अपार्टमेंट में जाना है इस पौधे को लाने के लिए। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद सीआईए निश्चय करती है कि वो लोग इस मिशन में शामिल कर रहे हैं कोल को। और कोल को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी खतरे में आ सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम ही टैक्समैन हो, इसलिए तुम्हें कैसे भी हमारी मदद चाहिए। तब इन बातों को सुनने के बाद कोल भी मान जाता है। तब सैडी उसे समझाती है और कहती है कि ये सिर्फ तुम्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं, ये तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तब कोल कहता है कि वो लोग भी यही बोल रहे थे कि तुमने भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। तब इस बात को सुनकर सैडी गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर उटामी को। उटामी ने ही लेवेक को काम दिया था कि वो उस बायो वेपन को लाए और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है लेवेक पे। कहता है कि मुझे कैसे भी इसका पासकोड चाहिए और अगर जल्दी से तुमने पासकोड लाके नहीं दिया तब तुम्हारी मौत पक्की है। इसी बीच हम देखते हैं कोल को जिसके लिए सीआईए ने एक टेबल बुक किया है और हर जगह ये खबर फैला दी है ताकि ये खबर पहुंच जाए लेविक के पास और लेविक आए इसे पकड़ने के लिए। तब सीआईए वाले उसे पकड़ लेंगे। लेकिन लेविक बहुत चालाक है, उसने हर तरफ अपने आदमियों को फैला दिया था जो सारे सीआईए वालों को मार देते हैं। उन्होंने जैक्सन पर भी गोलियां चलाई हैं। लेकिन जैक्सन अपने आखिरी वक्त में कॉल करता है कोल को और बताता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाओ क्योंकि अब तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। फिर भी कोल यहां से नहीं भागता। उसे लगता है कि अगर वो मुसीबत में होगा तब सैडी यहां पर जरूर आएगी। तभी हम लेविक और उटामी को देखते हैं। ये दोनों आते हैं कोल के पास और उसके सामने ब्रीफकेस को रख देते हैं जिसके अंदर वो बायो वेपन है और लेविक कहता है कोल को कि अभी से खोल। तब कोल नाटक करने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने खुद पता लगाया कि मैं कहाँ पे हूँ। मैंने तुम्हें ये लोकेशन भेजा था, मैं सरकार के लिए काम करके तंग आ चुका हूँ, मुझे अब पैसे चाहिए। मैं इस बिल्डिंग में गरीब बन करके आया था लेकिन यहाँ से मैं अमीर बन के जाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तभी मैं इसे खोलूंगा। कोल अंदर से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, वो बस टाइम पास कर रहा है ताकि कहीं से भी सैडी आ जाए। लेकिन लेविक भी अब गुस्सा हो जाता है और कोल को कहता है कि बेवकूफ किसी और को बनाना, जितनी जल्दी हो सके इस डब्बे को खोलो। तब धीरे धीरे और भी ज्यादा कोल डरने लगता है। तभी यहाँ पर सैडी आ जाती है और आकर के बैठती है कोल के पास। फिर इन्हें बताती है कि असली टैक्समैन मैं हूँ, मुझे कोर्ट पता है और वो पैसे मुझे चाहिए। तब इन बातों को सुनने के बाद उटामी तंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जितने भी पैसे सैडी बोलती है उटामी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तब सैडी बॉक्स को खोल भी देती है क्योंकि उसने पता लगा लिया है पासकोड का। तभी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हिटमैन्स हैं। उन सबके फोन पे फोटो जाता है लेविक का। लेविक के सर पे बहुत ही बड़ा इनाम रखा है सैडी ने। तो सारे लोग लेविक को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सैडी उस वेपन को उठाती है और यहाँ से भागने लगती है। तब चारों तरफ गोलियां चलने लगती है और एक एक करके सारे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन उटामी और लेविक के लोग हमला कर रहे हैं कोल और सैडी पे, पर सैडी भी इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कोल भी लोगों को मार रहा है। उसे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। तभी हम देखते हैं उटामी को
जो बार बार लेवेक को कहता है कि मुझे कैसे भी वो वेपन चाहिए। तब लेवेक गुस्सा होकर के ओटामी को मार देता है। तभी हम वेगनर को देखते हैं जिसने कोल पर हमला कर दिया है और ये दोनों लड़ते हुए जाते हैं नीचे। पूरी बिल्डिंग को व्हील की तरह बनाया गया है जो कभी कभी घूमती है, लेकिन जब ये लोग नीचे लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ की मशीनें खराब होने लगती है और वेगनर और कोल ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन अंत में कोल फेंक देता है वेगनर को मशीनों के बीच। तब वेगनर की मौत हो जाती है जिससे यहाँ के मशीन में और खराबी होती है और अब पूरी की पूरी बिल्डिंग घूम रही है। तभी लेवेक पहुंचता है सैडी के पास और उस पर हमला कर देता है बायो वेपन लेने के लिए। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। तब लेविक मारने वाला होता है सैडी को, लेकिन ऐन वक्त में यहाँ पे कोल आता है और लेविक को दूर हटा देता है। लेकिन अब लेविक के हाथ में वो बायो वेपन है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी सैडी बंदूक उठाती है और चलाती है रूफटॉप पे। तब वहाँ का एक पंखा गिर जाता है लेविक के ऊपर और लेविक की मौत हो जाती है। तभी कोल फिर से सैडी की जान बचाता है और इस चीज को देखने के बाद सैडी बहुत खुश होती है। तभी दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। तब कोल सैडी को कहता है कि तुम ब्लैक ड्रेस में कमाल की लगती हो। और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हम कोल और सैडी को देखते हैं कोल के घर पे जो उसके माता पिता के साथ डिनर कर रही है। मैटी भी इन दोनों को साथ देख करके बहुत खुश है। तभी लोग बताते हैं कि इन्हें कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा एक साथ होने के लिए और धीरे धीरे करके ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और अपने अपने फील्ड में दोनों बहुत तरक्की करते हैं। और अगली बार जैसे ही ये दोनों मिलते हैं कोल गाड़ी की डिक्की को चेक करता है। तब वो अंदर देखता है कि एक आदमी को बांध करके रखा है सैडी ने, जिसके मुंह पे टेप लगा है। और सैडी बताती है कि हथियारों की तस्करी करता है, इसीलिए मैंने इसे पकड़ा है। और कोल जानता है कि सैडी अब पूरी उम्र ऐसे ही रहने वाली है और उसे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं। तब वो सैडी का हाथ पकड़ता है और ये दोनों चले जाते हैं अंदर। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।